हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज क्रोशिया का डिज़ाइन, ये देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लो, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, टेबल क्लॉथ पे, मेज पे बिछा लो, और टीवी कवर बना लो, फ्रिज कवर बना लो, कुछ भी बना सकते हो इस डिज़ाइन से। देखो आज मैं ये बनाना सिखाऊंगी, देखो कैसे बनता है ये। देखो फ्रेंड्स, इसमें हम 13 के मल्टीपल फंदे मतलब स्टिचेस लेते हैं, 13 के मल्टीपल चेन बनाएंगे और प्लस 4 फंदे डालेंगे। तो मैं 13 × 2 = 26 प्लस 4 30 चेन बना रही हूँ। आप जितना भी चौड़ाई चाहते हैं उस हिसाब से बना लें। तो मैं ये चेन बना रही हूँ, देखो मैंने 30 चेन बना ली है। अब इसके बाद इसको डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम इस चेन में से ही, हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये नीचे डबल क्रोशिया की एक लाइन बना ली है। अब देखो कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद देखो ये छेद दिख रहा है, इसके बाद ये वाला, इसमें से हम डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे, 1 2 3, और ये हमारी चेन को लगा के यहाँ पर 4 समझ लो डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद हम 1 2 3 4 5 पांचवे छेद में से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ 1 2 3 4 पांचवें छेद में से यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन और 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हम 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 पांचवें छेद में से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चैन बनाने के बाद फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारी ये रो बनेगी, इस तरह। फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने के बाद फिर यहाँ 1 2 3 4 5 से फिर हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अब ये हमने यहाँ देखो लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर हम 1 2 2 चैन बनाने के बाद फिर पलटेंगे, फिर ये देखो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। 1 2 3 और 4 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखो फ्रेंड्स,
हम एक चैन, दो चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इधर हम ऐसे अटैच करेंगे ऐसे। फिर हम दो चैन बनाएंगे, एक दो। दो चैन बनाने के बाद ये देखो हमारा ये राइट साइड, इधर रॉन्ग साइड से, इधर रॉन्ग साइड से हम इधर छह डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ, छ बनाए हमने। अब देखना, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, देखो ये हमारा ये बीच में होल दिखाई दे रहा है, ये इसमें से हम दो बार डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, एक और ये ना इसमें से दो। अब फ्रेंड्स देखना, ये दो, ये होल ये दिख रहा है, इसको हम ऐसे ऐसे क्रोशिया डालेंगे। अब यहाँ से छह बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। देखो फ्रेंड्स इस तरह ये हमारा ये बन जाएगा पूरा गोल टाइप से। फिर हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, दो चैन बनाई। अब इसमें फिर अटैच करेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो। फिर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम दो बार चैन बनाएंगे, एक दो। फिर सिंगल क्रोशिया से यहाँ अटैच करेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे। फिर ये फिर फ्रेंड्स देखो ये पीछे से हम इस होल में ऐसे 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 डालेंगे क्रोशिया, और यहाँ से हम छह बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः बार बनाने के बाद हम फिर ये यहाँ पर यहाँ डालेंगे, फिर इसमें दो बार बनाएंगे, एक दो। इस तरह दो बार बनाए। अब इस साइड, फिर इस साइड पे छह बार बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। देखो फ्रेंड्स इस तरह हमारा ये देखो इस तरह ये बन जाएगा डिजाइन। अब आगे हम दो चैन बनाएंगे, दो। फिर सिंगल क्रोशिया से यहाँ अटैच करेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, इस तरह।
अब फिर दो चैन बनाने के बाद फिर हम ऐसे पलटेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार, दो, तीन, चार। चार बार बनाने के बाद हम एक बार चैन बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, ये है ना, इस होल में से हम ऐसे लूप बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार बार लूप बनाने के बाद इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। फिर हम तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर चार बार लूप बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार बार लूप बनाने के बाद ये इस तरह, फिर तीन चैन, एक, दो, तीन, फिर चार बार लूप, एक, दो, तीन, चार। ऐसा देखो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये फ्लावर सा बन गया, कितना सुंदर लग रहा है। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर चार बार डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइबर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चार बार लूप बनाना है इसमें और इस तरह ये निकालना है। तीन चैन बनाने के बाद एक, दो, तीन, चार। फिर तीन बार चैन बनाने, एक, दो, तीन। फिर चार बार लूप, एक, दो, तीन, चार। इस तरह ये देखो, फिर एक चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, इस तरह ये डिजाइन ऐसे बनेगा। अब अगली लाइन कैसे बनानी है, एक चैन बनाएंगे, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, ये इस तरह इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ चार के ऊपर भी हमारे चार सिंगल क्रोशिया हो गए, ये चैन को लगा के इस तरह। अब हमारे इसमें ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, और इसमें चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसमें एक बार इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर ये चार बार इसमें सिंगल क्रोशिया, दो, तीन, चार। फिर इस होल में से बनाना है इस तरह। फिर
फिर हम एक चैन बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा गैप हो जाएगा, ये इसमें से सिंगल क्रोशिया बना लो। इस तरह ये पूरी रो बनानी है। तो फ्रेंड्स देखो, ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन मैंने बना ली है, ये देखो पूरी बन गई। अब हम दो चैन बनाने के बाद यहाँ राइट साइड में देखो आएंगे तो हम यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऐसे यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार बार बनाने के बाद फिर हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन बनाने के बाद अब ये देखो फ्रेंड्स हमारा ये बीच में है, जो बीच राइट में बीच में सेंटर में हम यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे नीचे हमने बनाया था उसी तरह बनाएंगे। इस तरह ये एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह जैसे ये अब हमारा नीचे का फिर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इस तरह हम पूरी पूरी रो बनाएंगे, पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन बनाने के बाद फिर इसमें से हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार बार बनाने के बाद फिर हम पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन बनाने के बाद फिर हम इसके सेंटर में फिर यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया फिर दो चैन बनाई, फिर दोबारा से एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह देखो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये डिजाइन ये बन के फिर रिपीट होता जाएगा। तो हमारा ये देखो, ये देखो कितना अच्छा डिजाइन आता है। तो फ्रेंड्स मेरा डिजाइन आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।